नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों हमारी जो RRB NTPC मैथ्स की जो कंसेप्ट क्लासेस चल रही हैं, जो हम आपके लिए डेली कंसेप्ट क्लास ला रहे हैं, उसके अंतर्गत आज मैं आपको आठवें नंबर की कंसेप्ट क्लास लेके आया हूं, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि संबंधित है। इसके पहले मैं आपको 7 कंसेप्ट क्लास कंप्लीट करवा चुका हूं, इसके बाद में टोटल 12 और लेने वाला हूं, टोटल 20 कंसेप्ट क्लास रहेगी। अगर मैंने पूरी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी, अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ पर ऊपर आई के बटन पर भी दे रखे। दोस्तों ये वही प्रश्न है, कंसेप्ट क्लास इसलिए कराना जरूरी है, इसके बाद ही मैं आपको मॉडल पेपर चालू करूंगा, क्योंकि एक बार अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए टॉपिक वाइज, मैं हर टॉपिक से वही क्वेश्चन ले रहा हूं जो 4 से 5 सालों की एग्जाम में रेलवे द्वारा जितनी भी एग्जाम्स हुई है उस टॉपिक से रिलेटेड जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं उन्हीं क्वेश्चंस को ले रहा हूं। इसलिए मैं आपको टॉपिक वाइज पहले कंसेप्ट क्लियर क्लास ले रहा हूं, उसके बाद ही मॉडल पेपर चालू करूंगा। एक नजर मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों देख लीजिए, आज का हमारा 8वें नंबर का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। ये मैंने इसके पहले 7 टॉपिक ये वाले कंप्लीट करवा दिए और ये अभी इसके बाद में 12 टॉपिक ये वाले लाने वाला हूं, इसके बाद ही हम मॉडल पेपर चालू करेंगे। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया कंप्लीट प्लेलिस्ट का और यहां पर आई के बटन पर भी दे दिया, इसलिए आप सारे वीडियो देख लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक कंप्लीट करवा रहा हूं मैथ्स के, मैं आपको कुछ फॉर्मूले भी बताता हूं, तो आपको फॉर्मूले अपने कॉपी में राइट डाउन करना है और ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ, जिससे कि आपके नोट्स भी कंप्लीट होते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस 8वें नंबर का। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताना चाहता हूं। दोस्तों सिर्फ मैं आपको 6 फॉर्मूले ऐसे बताऊंगा, अगर आपने उन फॉर्मूले को अच्छे से फॉलो कर लिया, उन फॉर्मूले को अच्छे से समझ लिया, राइट डाउन कर लिया अपनी कॉपी में अपने पेपर में, तो आपको कोई सा भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड आप कभी गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैं सिर्फ आपको 6 फॉर्मूले बताऊंगा। आप कौन से होंगे ये 6 फॉर्मूले आप लिख लीजिए। सबसे पहले नंबर का फार्मूला है, बहुत सिंपल फार्मूले हैं, बहुत ही सिंपल है, अगर आपने उनको याद कर लिया रट लिया तो आप कोई से भी क्वेश्चन उनको लगा दीजिए, इसी से फिट कर दीजिए, वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए पहला फार्मूला है हमारा, देखिए सबसे पहले क्या होता है गेन, अगर मैं बात करूं गेन मतलब लाभ, लाभ कैसे निकालते हैं, सिंपल फार्मूला है, लाभ कब होता है हमको, SP माइनस CP मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो हमको क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये क्या होता है गेन होता है मतलब लाभ होता है। लाभ कैसे निकालना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको लाभ निकालना है, आपने कोई मोबाइल लिया, कितने का लिया आपने मोबाइल 100 रुपए का लिया, उसको बेच कितने में दिया उसको आपने 120 रुपए में, मतलब सेलिंग प्राइस क्या हुई उसकी 120 रुपए, कोई कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई उसकी 100 रुपए, मतलब 20 रुपए का आपको लाभ हो गया। दूसरा फार्मूला देखिएगा, दूसरा फार्मूला है हमारा लॉस, अगर हानि निकालनी है तो हानि निकालनी है तो उसका उल्टा कर देंगे, मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मोबाइल खरीदा 80 रुपए में, लेकिन आपने बेचा उस 80 रुपए में खरीदा, आपने उसको बेचा 60 रुपए में, तो यहां पर क्या हुआ आपने कितने रुपए की हानि उस पर प्राप्त की 20 रुपए की हानि। तो ये एक सेकंड फार्मूला याद रखिएगा, लॉस, लॉस कितना होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तीसरा फार्मूला होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर मैं बोलूं यहां पर हमने गेन और लॉस निकाला, अगर मैं बोलूं गेन परसेंटेज लाभ प्रतिशत इसको निकालना है तो इसको कैसे निकालते हैं, गेन जो आता है ये जो आता है हमारे पास गेन इनटू 100 अपॉन सीपी, हमेशा जितने भी गेन परसेंट लॉस परसेंट जितना भी निकलेगा हमेशा किस पे निकलेगा सीपी कॉस्ट प्राइस पे, किस पे निकलेगा कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा, याद रखिएगा क्रय मूल्य पे निकलता है। देखिए चौथा फार्मूला देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लॉस परसेंट, लॉस परसेंट अगर निकालना हो तो एल इंटू 100, ये एल कौन सा है ये वाला, यहां से इसे निकाल सकते हो आप एल को, एल इंटू 100 अपॉन सीपी, ये भी सीपी पे निकलेगा, मतलब लॉस परसेंट कितना होगा एल इंटू 100 अपॉन सीपी। तो दोस्तों ये 4 फार्मूले तो हो गए आपके कंप्लीट, अब 2 फार्मूले और बताऊंगा, ये 4 फार्मूले जल्दी से अपने कापी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हम सिर्फ 6 फार्मूला का यूज करेंगे। पहला ये था गेन कितना होता है एसपी माइनस सीपी, लॉस कितना होता है सीपी माइनस एसपी, और तीसरा फार्मूला है गेन परसेंट कितना होता है गेन इंटू 100 अपॉन सीपी, और लॉस परसेंट कितना होता है लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। देखिए जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट उनको बता देता हूं, एसपी क्या होता है ये सेलिंग प्राइस होता है मतलब विक्रय मूल्य, और ये सीपी क्या होता है कॉस्ट प्राइस होता है मतलब क्रय मूल्य। इस तरह आप सभी चीजें निकाल सकते हैं। देखिए 2 फॉर्मूले और बताऊंगा और उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और आपके सारे क्वेश्चन उन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड होंगे। चलिए दोस्तों 5वें नंबर का हमारा जो फॉर्मूला यूज करेंगे हम, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान से देखिएगा, एसपी इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। गेन परसेंट कैसे निकालना है गेन इंटू 100 अपॉन सीपी, अभी हमने डिस्कस कर लिया, और गेन परसेंट अगर निकालना हो तो गेन इंटू 100 अपॉन सीपी, और गेन निकालना हो तो एसपी माइनस सीपी कर देंगे। इस तरह ये 5वें नंबर का फॉर्मूला भी आपका कंप्लीट हो गया। और एक छठा फॉर्मूला और देख लीजिए,
अगर यहां पर गेन दे रखा है क्वेश्चन में तो यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, अगर उसने दिया लॉस तो क्या लगाएंगे, फॉर्मूला यही रहेगा एसपी इक्वल टू 100 माइनस हो जाएगा, यहां प्लस था तो माइनस, लॉस परसेंट अपॉन 100 इसमें होल इंटू क्या कर देंगे सीपी कर देंगे, तो ये क्या बन गया हमारा लॉस परसेंट के लिए। तो ये छह फार्मूले हैं, जिन भी स्टूडेंट्स ने छह फार्मूले याद कर लिए, दो में चार पहले बताएं दो ये बताएं, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, वीडियो को सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लास नंबर 8 है, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मनोज ने कोई वस्तु 13% लाभ पर बेची, ठीक है, यदि इसे 98 रुपए कम में बेचता तो उसे 7% हानि होती, तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या है। मतलब आपको क्रय मूल्य बताना है, मतलब आपको क्या बताना है इसमें, कॉस्ट प्राइस बतानी है, क्या बताना है कॉस्ट प्राइस बतानी है, और चार ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए इसको बहुत सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल मेथड से सॉल्व करना बताऊंगा आपको। क्या होता है कि मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे छह, सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला यूज करता हूं, सबसे आपको मैंने पांचवें और छठे नंबर पर जो फॉर्मूला बताया था मैं वो यूज करूंगा। देखिए कैसे करूंगा, यहां पर फॉर्मूला लिख देता हूं, सबसे पहले एस पी इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। देखिए क्या दे रखा है, मनोज ने कोई वस्तु 13% लाभ पर बेची, तो यहां पर 13% लाभ हमको मिल रहा है, ठीक है, तो हम यहां पर रख देते हैं सिंपल, यहां पर क्या लिखेंगे हम एस पी इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट, मतलब 100 प्लस 13, मतलब ये हो जाएगा 113 अपॉन 100 इंटू सीपी। इस फॉर्मूले में मैंने जो आपको गेन दिया है, गेन परसेंट दिया, उसकी वैल्यू सिंपली रख दी, तो हमारे पास ये आ गया। उसने बोला है, इसके बाद एक कंडीशन दी है, यदि इससे 98 रुपए कम में बेचता तो उसे 7% हानि होती, मतलब इफ यहां पर लिखेंगे इफ उसे 98 रुपए कम, 98 रुपए कम में बेचता, मतलब सेलिंग प्राइस क्या होती 98 रुपए कम कर दें हम, जैसे फॉर एग्जांपल सेलिंग प्राइस कर दें एसपी माइनस 98, सिंपल देखिएगा एसपी माइनस 98 कर दें तो क्या होता है, तो उससे 7% हानि होती। छठे नंबर का फॉर्मूला था याद होगा आपको, एसपी इक्वल टू 100 माइनस एल परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का यूज कर लीजिए इसमें, ठीक है। तो आप फॉर्मूला का यूज करेंगे तो हमने क्या है कि उसको बेचता तो उसे 7% हानि होती, मतलब 100 माइनस 7%, मतलब कितना हो गया 100 माइनस 7% 93 अपॉन 100 इंटू सीपी, ये आपकी दो इक्वेशन बन गई है। अब हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सिंपली सॉल्व करने का तरीका है, जो हमको पहली इक्वेशन यहां पर जो एसपी की वैल्यू आई है हम यहां पर फिट कर देंगे, यहां पर रख सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, अगर इसको इक्वेशन को 2 मान ले तो इसको दोनों को इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपका सिंपली आंसर आ जाएगा। देखिए एसपी बराबर क्या देखा है 113/100 इंटू सीपी, यहां पर वैल्यू रख दीजिए 113 अपॉन 100 इंटू सीपी माइनस 98 इक्वल टू 93 अपॉन 100 इंटू सीपी। देखिए सीपी में पूरी इक्वेशन आ गई, तो यहां पर सीपी की वैल्यू निकाल लीजिए नॉर्मली। देखिए 113 अपॉन 100 मतलब 113/100 माइनस इधर कर लीजिए 93 अपॉन 100 को इधर ले आइए, तो क्या बन जाएगा, सिंपली लिख देता हूं 113 माइनस 93/100 और ब्रैकेट में क्या ले लिया मैंने, कॉमन क्या ले लिया सीपी, और 98 इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 20/100, ये क्या हो जाएगा आपका 20/100 हो जाएगा नॉर्मली, 113 में से 93 गया तो 20/100 इंटू सीपी, 20/100 मतलब क्या हुआ 1/5 और इक्वल टू 98। इसको सॉल्व कर लीजिए, मतलब सीपी अपान 5, मतलब 20 से कम 20, 20 से 5 100, इसको सॉल्व करें सीपी अपान 5 इक्वल टू 98, तो फाइनली हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है, सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 98 इंटू 5, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सीपी की, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 98 इंटू 5 कितना होता है 490, कितना होता है मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 490, तो इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 490 क्या हो जाएगा उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैंने आपको बोला था कि छह फार्मूला यूज कीजिएगा और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो हमारा पहले नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों एक लाइक फटाफट सभी स्टूडेंट्स मार दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे, और नए स्टूडेंट सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, देखिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो लाभ प्रतिशत होगा। देखिए छह फार्मूले बताए थे, उन्हीं फार्मूले का यूज करूंगा, आप अपने कॉपी में नोटबुक में नोट किए होंगे तो देख लीजिएगा उनको। मैं यहां पर क्या करूंगा, उन्होंने क्या दिया है क्वेश्चन में, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, मतलब विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य मतलब एसपी इक्वल टू कितना दे रखा है 8/5 इंटू सीपी, यही दिया हुआ है क्वेश्चन में हमको, एसपी इक्वल टू 8/5 इंटू सीपी, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है।
तो आपको क्या बताना है, गेन परसेंट बताना है कि गेन परसेंट कितना होगा। तो देखिए यहां पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि गेन इक्वल टू, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला बताया था गेन क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था। हमको क्या दे रखा है यहां पे, हमको क्या दे रखा है कि एसपी इक्वल टू 8 बटे 5 सीपी दिया है और गेन परसेंट निकालना है। तो गेन इक्वल टू एसपी की वैल्यू कितनी है 8 बटे 5 सीपी, तो यहां पर लिख दीजिए 8 बटे 5 सीपी माइनस सीपी, तो ये कितना हो जाएगा, इसको लिख सकता हूं 3 बटे 5 सीपी। तो गेन कितना हो गया 3 बटे 5 सीपी। अब यहां पर मुझे निकालना क्या है, गेन परसेंट। गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या था, सिंपली फिर से वही फॉर्मूला लगाइए, गेन परसेंट इक्वल टू क्या था, गेन इंटू 100 अपॉन सीपी। देखिए अभी गेन गेन इंटू 100 अपॉन सीपी, गेन मैंने निकाल लिया है 3 बटे 5 सीपी, तो यहां पर 3 बटे 5 सीपी इंटू 100 अपॉन सीपी। वैल्यू सिर्फ मैं रख रहा हूं, वैल्यू कुछ नहीं कर रहा हूं, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सीपी से सीपी क्रॉस कर दीजिए, 3 बटे 5 इंटू 100 कितना हो जाता है, 5 दोनों 10, मतलब 20 से कट जाएगा, 20 किया कितना हो गया आपका 60, मतलब गेन परसेंट कितनी वैल्यू आ गई, गेन परसेंट की वैल्यू क्या है, आंसर क्या आया आपका 60, मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, आपका जो भी डाउट है हम सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति एक में 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है, यदि उसने इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 105 रुपए अधिक में बेचा होता तो उससे 35% का लाभ हुआ होता, मेज का क्रय मूल्य क्या है। देखिए क्वेश्चन बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल है, हम इसको सिंपली बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है, उसने एक व्यक्ति एक मेज को 20% लाभ पर बेचता है। हमारे पास जो फार्मूला था पांचवें नंबर का फार्मूला याद कीजिए, उसको हम यूज करेंगे। पांचवें नंबर का फार्मूला मैं डायरेक्ट लगाऊंगा यहाँ पे, आप देखिएगा एस पी इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट, मतलब 120 बटे 100 सीपी, मतलब ये कितना हो गया 6 बटे 5 सीपी, मतलब एसपी इक्वल टू कितना हो गया आपका 6 बटे 5 सीपी हो गया, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी। अब हमको क्या दिया है, उसने एक कंडीशन दी है, यदि उसने इसे 10% कम मूल्य पे खरीदा होता, मतलब 10% कम मूल्य पे खरीदा होता, मतलब एक फार्मूला लगाइए कि अगर जो सीपी है उसका, यदि देखिए इफ वाली कंडीशन क्या दे रखी है, अगर उसका सीपी कितना हो जाता 9/10 हो जाता, क्योंकि 10% कम मूल्य पर, मतलब 9/10 हो जाता, 10% कम मूल्य क्या होता है सीपी का, 9/10 पे सीपी होता उसका। और एसपी कितना हो जाता, उसने क्या दिया है एसपी कितना हो जाता उसका, 105 रुपए अधिक में बेचा होता, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी हो जाती 105 रुपए अधिक, मतलब एसपी प्लस 105 रुपए अधिक हो जाती, तो क्या होता, तो क्या होता है, लाभ उसे 35% का लाभ हुआ होता। फिर से आपका फॉर्मूला नंबर 5 लगाइए, 35% का लाभ हुआ होता, तो सबकी वैल्यू फिट कर दीजिए, एसपी कितना हो गया एसपी प्लस 105, ये लग दिया 35% का लाभ, मतलब 135 बटे 100। सीपी कितना हो गया, सीपी की वैल्यू कितनी, ये पूरी वैल्यू आपको यहां रखनी है, सॉरी इससे बना रहे हैं अपन पूरी इक्वेशन, सीपी कितना हो गया आपका बताइए 9/10 सीपी, ये इक्वेशन बन गई। देखिए अब ये पूरी इक्वेशन बन गई है, एक इक्वेशन ये रखी है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। देखिए अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, यहां पर क्या दे रखा है एसपी इक्वल टू कितना दे रखा है 6/5 सीपी दे रखा है, और यहां पर क्या दिया एसपी प्लस 105 इक्वल टू 135/100 इंटू 9/10 सीपी। यहां पर एसपी की वैल्यू जो है आपकी 6/5 सीपी है, वो एसपी की वैल्यू यहां पर फिट कर दीजिए, सिंपली एसपी की वैल्यू क्या कर सकते हैं हम 6/5 सीपी प्लस 105 देखिएगा इक्वल टू, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए तो आपको थोड़ा सा आसानी होगी, 5 × 10 5 × 10 65 35, ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे अपन। 27 नंबर की कितना होता है 243 बटे 100 × 200 सीपी। अब देखिए अब क्या होगा कि अब इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन सीपी में बन गई, इसको सॉल्व कर लीजिए, इधर मैं थोड़ा सी स्पेस क्रिएट कर लेता हूं, इसको हम इधर करेंगे। देखिए अब क्या होगा, अब यहां पर क्या बढ़ा है 6/5 सीपी प्लस 105 इक्वल टू 243/200 सीपी। अब इसको 6/5 सीपी को हम इधर ले जाएंगे, मतलब क्या करेंगे 105 इक्वल टू देखिए 243/200 माइनस 6/5 और ब्रैकेट में क्या ले लिया मैंने हॉल कॉमन सीपी 105 इक्वल टू एलसीएम लीजिए 200, तो ये हो जाएगा ऊपर 243 माइनस 5 × 20 6 × 24 240 ब्रैकेट में सीपी, आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, 105 इक्वल टू कितना हो गया 3/200 सीपी, इसको 3 से काट दीजिए 3 × 9 3 × 5 15 35 × 200 कितना होता है आपका होता है 7000, सीपी की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई आपके पास 7000,
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर 7000। कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम आपको पूरा सॉल्यूशन देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु को 96 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ परसेंट होता है जितना कि क्रय मूल्य, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी घूमी हुई है लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिएगा यहां पे क्या दे रखा है कि किसी वस्तु को 96 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि उसका क्रय मूल्य, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, उसने क्या दे रखा है कि लाभ परसेंट होता है जितना कि क्रय मूल्य, मतलब सीपी इक्वल टू गेन परसेंट, ये दोनों की वैल्यू समान है। उसने बोला है कि उतना ही लाभ होता है जितना कि उसका क्रय मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस जितनी है उतना ही उसको क्या है लाभ होता है। तो चलिए एक फार्मूला यूज करते हैं हम, हमारा पांच नंबर वाला फार्मूला यूज करना है आपको, सिंपली वही फार्मूला एसपी इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। गेन परसेंट कितना है सीपी, तो यहां पर वैल्यू रख दीजिए सीपी की। और यहां पर क्या दिया हुआ उसने एक और चीज, किसी वस्तु को 96 रुपए, मतलब उसने वैल्यू क्या दी है यहां पर, सेलिंग प्राइस की वैल्यू भी हमको दे दी 96 रुपए में बेचने पर, मतलब एसपी इक्वल टू कितना है 96 रखा हमने। गेन परसेंट कितना है सीपी, मतलब 100 प्लस सीपी अपॉन 100 होल इंटू सीपी। फाइनली पूरी इक्वेशन हमारी किसमें आ रही है सीपी में। सीपी को मैं थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता हूं, एक्स भी मान लेता हूं, तो फटाफट हमारा सॉल्व हो जाएगा आपको। देखिए तो ये हो गया 9600 प्लस एक्स, अब बैक बाहर भी x, क्योंकि सीपी को मैंने थोड़ी देर के लिए x मान लिया, फटाफास्ट सॉल्व हो जाएगा। जिससे देखिए इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना हो जाएगा 9600 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 9600। सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 9600। अब इसके गुणनखंड कीजिए आप, कैसे कर सकते हैं गुणनखंड, मध्य पद का योग अंतिम पद का गुणा होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस लिख सकता हूं मैं यहां पे 160x माइनस 60 माइनस 9600 इक्वल टू 0। देखिए 160 में से 60 जाएंगे तो 100 आ जाएगा, और 96 मतलब 9600, ये मैंने इसके गुणनखंड कर लिए, ये इक्वेशन को उसको मैंने तोड़ लिया। चलिए अगला उसका पार्ट देखते हैं, अगला कैसे करेंगे सॉल्व। फाइनली हमको x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 160 माइनस 60 कॉमन लीजिए, तो x प्लस सॉरी यहां पर ये 60x है, सॉरी यहां पे 60x में लिखना भूल गया था, x प्लस 160। आपको इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको गुणनखंड करने की तरीका बता दूंगा किस तरह मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो यहां पर क्या लेंगे हम, x प्लस 160 कॉमन लेंगे, तो x माइनस 60 और x प्लस 160 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक तो 60 आ गई और एक आ गया माइनस 160, हम इसको 60 वाले को ले लेंगे। देखिए तो मतलब फाइनली जो कॉस्ट प्राइस कितनी निकल के आ गई हमारी 60 आ गई, मतलब इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आप इसको चेक भी कर सकते हो, उसने क्या पूछा था, उस बेचने पर उतना ही लाभ परसेंट होता है जितना कि क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य भी कितना है उसको 60 है और लाभ परसेंट भी 60। कैसे, अगर क्रय मूल्य 60 है उसका और बेचा कितना था उसने 96 में, मतलब 36 रुपए का उसको लाभ हुआ, तो 36 रुपए का अगर लाभ हुआ तो इसका अगर परसेंट निकालना है गेन परसेंट, तो क्या करते हैं गेन इंटू 100 अपॉन सीपी। सीपी कितना है अपने पास, सीपी कितना आ गया 60 आ गया, उसका लाभ कितना है, गेन परसेंट भी क्या 60 ही आ रहा है क्या, देख लेते हैं क्रॉस चेक कर रहे हैं हम, तो 3 5 20 से काट दिया, इसको कर दे 3 से काट दिया, तो 12 5 60, मतलब उसका जो गेन परसेंट भी 60 आ रहा है और कॉस्ट प्राइस भी 60 निकल, मतलब उसका सही उत्तर बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। कुछ भी डाउट कमेंट बॉक्स में पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने पर 8% की हानि होती है, यदि उस वस्तु को 78 रुपए में बेचा जाए तो लाभ हानि का परसेंट बताओ। देखिए सबसे पहले उसने दे रखा है, अगर उसने दिया है कि यदि एसपी इक्वल टू 69 रुपीज हो तो उसे 8% की हानि होती है, तो सीपी कितना हो जाएगा, फटाफट सबसे पहले हम सीपी निकाल लेते हैं। एसपी अगर उसने 69 रुपए दे रखा है और हानि का प्रतिशत दे रखा है 8%, तो हम फार्मूला नंबर 6 लगा देंगे, यहाँ पे लगा दीजिए फार्मूला नंबर 6 69। अब देखिए 8% हानि मतलब 92, 100 माइनस 8% अपॉन 100 इंटू सीपी, तो फाइनली हमारे पास सीपी कितना जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, सीपी कॉस्ट हो जाएगा आपका 6900 अपॉन 92, ठीक है हो जाएगा। तो सीपी की फाइनली वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, सॉल्व कीजिए इसको, देखिए 92 से डिवाइड कीजिए इसको फटाफट 6900 को, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप रफ में सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, सीपी कॉस्ट हो जाएगा आपका 75, मतलब अगर कॉस्ट सेलिंग प्राइस उसकी 69 है तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 75 आ गई, जब उसको 8% की हानि होती है। अब यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है उन्होंने कि अगर एसपी को वो कितना कर दे, मतलब आपका सेलिंग प्राइस 78 रुपए में बेचता है तो उसे क्या होगा। देखिए अगर उसको 69 रुपए में बेच रहा था
और उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी निकली थी 75, तो उसको क्या हो रहा था, यहां पर क्या हो रहा था जल्दी से बताएं सभी स्टूडेंट, तो उसे 8% की हानि हो रही थी। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस को उसने कितना कर दिया, 78 रुपए कर दिया। अगर सेलिंग प्राइस को 78 रुपए कर दिया तो उसे क्या होगा, जल्दी से बताएं क्या होगा, उसे लाभ होगा, 100% लाभ होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितनी है 75 रुपए में उसने खरीदा और उसने क्या करा 78 रुपए में बेच रहा है। पहले उसको 8% की हानि हो रही थी, अब ये तो कंफर्म है लाभ हो रहा है, लेकिन कितने का लाभ हो रहा है अभी हमको निकालना है। क्या निकालना है हमको, गेन परसेंट निकालना है। क्या निकालना है, गेन परसेंट। तो गेन परसेंट का हम फार्मूला लगा दीजिए, हमारे पास सब है, एसपी दे रखा है हमको 78। गेन परसेंट क्या होता है, गेन इंटू 100 अपॉन सीपी। गेन कितने का हुआ, अगर आपने कोई वस्तु को 75 रुपए कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस आपको 78 रुपए में बेच दी, 75 रुपए में खरीदी 78 रुपए में बेची, तो कितने रुपए का लाभ हुआ आपको, 3 रुपए का। मतलब गेन परसेंट इक्वल टू गेन, मतलब 3 रुपए का इंटू 100 अपॉन सीपी। कॉस्ट प्राइस कितनी है आपको, 75 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे 25 चौक 100, मैंने पूरा काट दिया, तो गेन परसेंट फाइनली आपके पास क्या गया, 4। मतलब इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दोस्तों कुछ भी डाउट है अगर इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको पूरा सॉल्यूशन देंगे। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको आरआरबी एनटीपीसी की जो हमारी मैथ्स की क्लास चल रही है, अभी कंसेप्ट क्लास ले रहा हूं मैं, उसके बाद ही मॉडल पेपर लेके आऊंगा, तो उसके अंतर्गत मैंने आज आपको 8वें नंबर का टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। पुराने हमारे 7 टॉपिक और आगे के हमारे जो 12 टॉपिक उनको देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ऊपर आई का बटन है, आई का बटन पर आप देख लीजिएगा, और कमेंट यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दिया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो फटाफट सभी स्टूडेंट्स एक लाइक तो कर दीजिएगा और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं, कम से कम 4 से 5 स्टूडेंट या फिर ग्रुपों पर आप जरूर भेजिए। जो नए स्टूडेंट हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट करा लें, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, क्योंकि अभी मैं मॉडल पेपर भी लाने वाला हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।